हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। कब गुड से आफ्टरनून, जामनगर, नमस्ते ये कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो मैम? आप जी। हो गया 4-5 साल पहले। अच्छा 4-5 साल हो गए। और कैसा रहा ये सफर? था। अभी प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा गाबा सर के लिए? मेरे पास निकटल लाइफ साइंस है, 1000 क्वांटिटी 43 में लिया हुआ है। अब क्या करना फोर्टी है थ्री में इसको? लिया है, 54-55 पे चल रहा है। क्यों लिया था? मतलब ट्रेडिंग का मन था या सोचा था बढ़िया कंपनी लंबी अवधि के लिए? चुना था तो क्यों चुना था ये नहीं, निकटल? लंबी अवधि के लिए लिया था, 2021 में लिया अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया। था। हाँ, उसके जब लिया है उसके बाद से बहुत नीचे चला गया। हाँ, नीचे चला अब गया, सही कह रहे हो। अब भाव से ऊपर आया है, अब मुनाफा हुआ है फाइनली इतने समय बाद, और अब चला है तो एक तरफा मूव दिखाते ही चले जा रहा है। गाबा सर, इसमें फाइनली चला, 3-4 साल से फंसा हुआ आइटम था और अब चला है तो गजब। डायरेक्टर साहब, थोड़ा चार्ट वार्ट खोलिए, थोड़ा लंबी चार्ट दिखाइए। नेक्स्ट लाइफ साइंस दिखेगा क्या चले हैं पिछले कुछ महीने, पिछले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक गजब कर गया है। क्या लग रहा है गाबा सर? मेरी खरीद का भाव है 43 का, क्या करूं? यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो ये साइडवेज मूव, साइडवेज मूव और थोड़ा रेसिस्टेंस हो तो एक बार तो हाथ निकाल देना, हाथ धो देना चाहिए। आपको मुनाफा भी मिल रहा है। उसके बाद कोई ऐसा स्टॉक लीजिए जहां पर एक ट्रेंड बने। एक दो स्टॉक ले लेते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, आप वो ले लीजिए। उसमें ट्रेंड है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स जो मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में, वही मैं डिस्क्लोज करता हूँ। मैंने लिया 5 साल के लिए, आपने 2001 में लिया, 2004, 3 साल हो गया, और आप 3 साल अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लगेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, और मेरे पास है, मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। तो यहाँ का पैसा वहां डाल दीजिए ना, थोड़ा क्वांटिटी अच्छा कम लगता है, मिलेगा लेकिन मिलेगा। मुझे तो अच्छा लगता है जब आप लोग रिकमेंड करते हो और ये डिस्क्लोज करते हो कि मेरे पास है, तो वो दिखता है कि आप लोगों का कन्विक्शन बना हुआ है। और ये डिस्क्लेमर भी है कि गावा सर ने ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में पैसा डाल रखा है। मैम, जहाँ पे क्लियर कट ट्रेंड हो उस स्टॉक में, इसमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा हुआ है, मुनाफा मिल रहा है, फाइनली जाके निकाल लेना ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा गावा सर कह रहे हैं। और एक ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली या फिर टेक्निकली अच्छे ट्रेंड दिखा रहा है, उसकी तरफ मूव कर जाए, उनमें से शायद एक विकल्प हो सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अरे गावा सर, एक सवाल मेरे जहन में, ये हाँ जी, SBS स्टॉक पिक हो गया है कि अभी अपन बाद में लेंगे अलग से? कौन सा वाला? एक शो में है SBS स्टॉक पिक, एक कोई बढ़िया सा पिक, ये पिक हो गया कि अभी होगा? हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा जरूर। हाँ, तो मैं बाबी रखे रही संभाल के, अभी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल हुक कितना यूज करेंगे अपन बाद में आएंगे उस पे। बिल्कुल। ग्वालियर चलते हैं अभी सपना जी के पास। सपना मैम, गुड आफ्टरनून। सपना मैम, क्या करते हो ग्वालियर में आप, जी मैं हाउसवाइफ हूँ। और कितने टाइम से सपना मैम स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कैसे आए स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरा भाई भी करता है, तो उन्हीं के जरिए मैं स्टॉक मार्केट में आई हूँ। तो अभी स्टॉक कौन चुन के देता है, खुद ही अपना चुनते हो या हस्बैंड या भाई मदद कर रहा है, कैसे होता है? मतलब मैं खुद भी चुनती हूँ, और मतलब हस्बैंड और भाई से थोड़ा बहुत सीखती भी हूँ। हाँ। अच्छा, किसका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा कर रहा है, हस्बैंड का, भाई का कि आपका? एक्चुअली सबसे ज्यादा तो मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखा था, और जो मैंने मैंने खुद भी जो शेयर चुने वो भी अच्छे, मतलब उनसे भी मुझे बेनिफिट है, वो प्रॉफिट में भी हैं, और कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जो शायद नीचे भी आए थे, बस उन्हीं के बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज लेनी है। ना मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सपना मैम, पहला स्टॉक जी पहला है, मुझे भेल के बारे में पूछना है जी। BHEL। ओके, उसमें मेरे 270 शेयर हैं जो 307 के भाव से लिए थे जी, 307, 307 है ना? 307। तो हाँ, मुझे उसके बारे में पूछना है कि वो मुझे ओहो, करना हाँ, चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, ये क्योंकि लिया क्यों था? ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था, चल रहा था, सोचा रख लेती हूँ लंबा में, अच्छा जाएगा ऐसा? यही लिया था। लेकिन अभी मतलब उसमें ये भी है कि अभी वो थोड़ा डाउन भी हुआ, समथिंग मुझे 10 से 11 हजार का लॉस भी है, हाँ, मतलब बीच में। तो मुझे इसी चक्कर में उस बारे में जानकारी लेनी थी ये कि आइडिया किसका था, BHEL वाला आपका था कि हस्बैंड का था? जी। नहीं, आइडिया तो मेरा ही था, बस ये है कि हाँ सपोर्ट हस्बैंड का था। मतलब उन्होंने कहा हाँ सही कह रही हो ले लो, ऐसा ये नहीं, सपोर्ट था? आइडिया मेरा ही था कि लेना चाहिए कि लंबे टाइम के लिए, तो हाँ, आगे चल के फ्यूचर में काम भी आएगा। उस मतलब अगर कोई भी अमाउंट है या कुछ भी है उसको इन्वेस्ट करने के तौर पे मैंने ये लिया। मैं ठीक है, कॉल था, गलत हो गया। BHEL बीच में बहुत अच्छा कर भी रहा था,
गाबा सर, लेकिन ऊपरी स्तरों पे फंस गए अपन, स्टॉक ठंडा पड़ रहा है। कुछ कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आजकल डराने वाली आती हैं, जैसे उस दिन वोडाफोन आइडिया पे 2.5 रुपए, उस दिन BHL पे एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले 70 पे 76 रुपए का टारगेट, आज देख के डर लगने लगता है हम लोग को। अभी BHL में करना क्या है? देखिए ऐसा है कि ये करीब 75 जोन से चला और 350 भी चला गया, 340 है करीब। जब इतना दौड़ेगा तो करेक्ट तो होगा, यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्ट्रेच हो गया ऑन हाई टाइम फ्रेम से, तो अनस्ट्रेचिंग, अनस्ट्रेचिंग जोन पर आना है तो एक थोड़ा डिप पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट है करीब 250 के आसपास, वहां पर शायद संभल जाए। अगर समझ जाता है तो ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया आपने लिया 5-10 साल के लिए लिया है ऐसा कुछ सोचकर, फिर घबराना के वो तो होल्ड कीजिए। जैसे कि मैं लेता हूँ नॉर्मली 4-5 ईयर्स के लिए, अच्छा स्टॉक ले लीजिए 4-5 साल के हिसाब से, फिर घबराना नहीं। अच्छा स्टॉक है 4-5 साल वाला ही है उस कैटेगरी का लगता है काबा सर? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, मुझे लगता है BHL स्टॉक बढ़ता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है लेकिन ये ज्यादा दौड़ा है, इसलिए अगर ये दौड़ता नहीं तो ये तो ऊपर ही जाता ना। ठीक बात, तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है, आपने लंबी अवधि के लिए लिया था तो बढ़िया काउंटर है, और लंबी अवधि को डिफाइन भी कर दिया गाबा सर ने, इतना रखिएगा ये कमा के देगा, गलत कॉल नहीं है आपका। शाहजहांपुर से कनिष्क वर्मा जी जुड़ती हुई, कनिष्क मैम हाय, गुड आफ्टरनून कनिष्क मैम, क्या करते हो आप शाहजहांपुर में? सर मैंने अभी रिसेंटली में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। और स्टॉक मार्केट में कब से थे, अभी हाल फिलहाल या पहले से थे? सर मैंने लास्ट ईयर सीखना शुरू किया था और इस साल से मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो, फुल फ्लेज स्टॉक मार्केट में उतर गए क्या? यस सर। अच्छा कनिष्क, पहला सवाल कौन सा आपका? सर एक्चुअली मेरे पास 10 शेयर्स हैं NTPC के, क्या मैं इसमें और एक्युमुलेट कर सकती हूँ? और अपन ने क्या सोच के बहुत लंबी अवधि के लिए आज से रख लूंगी ऐसा सोचा है या कोई और रीजन से लिया था? सर लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। ओके कनिष्का ने भाई लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। गाबा सर और जोड़ लेंगे NTPC, 10 थे 10 और लेने क्या अभी? बिल्कुल लेना चाहिए इसको, फिर SIP कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लीजिए रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बहुत दौड़ा है फ्रॉम 150 to 300, यही 400 हुआ है जैसे कि BHL हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 360 के आसपास, वहां मिलता तो ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपग्रेड करें 393, थोड़ा डिप आने दीजिए NTPC में। कोई जल्दी नहीं है, लेने लायक है, SIP करने लायक स्टॉक है, स्टॉक सही चुना है पर अभी बहुत चला हुआ है, ठंडा पड़ने दीजिए, 360 बेहतर लेवल होंगे अगला पैसा डालने के लिए, अभी नहीं। क्विकली एक एक सवाल और, प्रियंका मैम अगला सवाल। मेरे पास जियो फाइनेंस का शेयर है 40, वो 285 में लिया हुआ है। लिया लंबी अवधि के लिए लिए? हाँ लंबी अवधि के लिए। तो गाबा सर का जवाब पता है मुझे, मैं इनके साथ शो करता रहता हूँ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए 285 की खरीद है, सही चुना है क्या स्टॉक कि नहीं? मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, अब रिसेंट आया मैंने देखा है 400, मतलब इसका लगता है 500 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए और एक बार 500 में थोड़ा अटकेगा फिर जाएगा 1000, लेकिन जितना रिलायंस भी आप देखिए 10 साल के बाद क्या हुआ या 5 साल के बाद क्या हुआ, जियो भी ऊपर देगा मुनाफा देगा, मुझे इसका फंडामेंटल मंडल कुछ पता नहीं और नंबर्स भी किसी को पता नहीं, लेकिन टेक्निकल रूप से मुझे स्टार्ट पसंद है, आप ले सकते हैं, आपने लिया है होल्ड कीजिए, डोंट वरी यू विल मेक मनी। आप तो जामनगर से है ना? नहीं हाँ हाँ जामनगर के ही हैं। बिलो हाँ? डबल फायदा, डबल अरे तो सही है, होल्ड करिए, बस ये है कि डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये चैनल और जिस कंपनी की अपन चर्चा करते हैं जियो फाइनेंशियल, दोनों के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। सप्ता मैम अगला सवाल। जी मेरा अगला सवाल है CDSL के लिए, उसमें 70 शेयर हैं जो मैंने 1493 के कॉस्ट में लिए थे, इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए? गावा सर CDSL चार्ट मिलेंगे इसके क्या? मैंने निकाला है यहाँ पर, निकाला है चार्ट, क्या करना है इसको, होल्ड करें या निकाल दें? इसको तो होल्ड किया लॉन्ग टर्म, जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक BSE का स्टॉक और NSE का स्टॉक और CDSL का स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाने के लिए, तो आप ये स्टॉक बढ़िया है और होल्ड कीजिए, मोनोपोली जैसा है, क्या दिक्कत है? होल्ड करिए मैम, घबराने की जरूरत नहीं है, जाना इसको ऊपर ही है, मतलब तेजी करनी है, कोई दिक्कत नहीं। कनिष्का मैम हमारा अगला सवाल। सर एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नहीं है, मैं अलग शेयर के लिए पूछना चाहती हूँ, मैं IOC में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए? इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मतलब
एकदम आज लिया भूल जाने वाला, या 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ सोचा है कि क्या सोच के चला? और आईओसी क्यों चुना था टर्म के कनिष्का? लिए और आईओसी क्यों क्यों चुना? सर एक्चुअली मैंने फंडामेंटल्स और थोड़ा अपनी एनालिसिस करी तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग लगा आगे जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपना मतलब बेसिक स्टडी कर रखी है आपने, अच्छा लग रहा है। गावा सर बताइए भाई, लंबी अवधि के लिए आईओसी अच्छा है कि नहीं? बहुत दौड़ा है फ्रॉम अंडर 80 to 180 200। अगर यहाँ पर साइडवेज जाने की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं क्यों करना है लॉन्ग टर्म को? आपको इन्वेस्ट करना है, मैं एक स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स तो दे दिया है और मैंने खुद अपना पैसा लगाया है उसके अंदर लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए और मेरा डबल के करीब हो गया। तो आप भी उसी में स्टॉक कराइए ना प्लीज। दूसरा स्टॉक एचडीएफसी बैंक बढ़िया स्टॉक है। अब लगेगा आपको शायद तकलीफ है यार, ले लो, तकलीफ होता है होने दो, आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। ये भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, तो प्लीज स्टे एचडीएफसी इन्वेस्ट। बैंक ये था, पहला कौन सा बोला आपने? यूनाइटेड स्पिरिट्स जो पहले बोल दिया। यूएसएल और एचडीएफसी बैंक। भाई आप लोग लंबी अवधि के लिए दो बेहतरीन पेडिग्री वाले स्टॉक्स रख सकते हैं रडार पे। इस नोट पर प्रियंका मैम, सपना जी, कनिष्का जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए भाई इस प्लेटफॉर्म पे अपनी।